सो प्यारे बच्चों, जिद्दां असीं पिछली क्लास दे विच पढ़िया कि एरिया ऑफ अ स्क्वेयर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, यानी कि वर्ग दा खेत्रफल हुंदा है भुजा गुणा भुजा। सो उदां ही असीं अगर किसी नंबर दा स्क्वेयर फाइंड करना होवे तां असीं किवें लिखते हाँ। मान लो असीं एक दा स्क्वेयर फाइंड करना है, ठीक है, तां असीं उहनूं किद्दां लिखा करना है। तो सो मान लो फिर असीं एक दा स्क्वेयर फाइंड करना है, सो असीं एक दा स्क्वेयर किद्दां लिखांगे। एक का स्क्वेयर असं लिखांगे वन इज इक्वल टू, एक का स्क्वेयर असं लिखांगे एक दी पावर दो। एक दी पावर दो नोटेशन असं आखते हाँ वर्ग का, किसी नंबर का स्क्वेयर यानी कि वर्ग वर्गमूल। सो एक दी पावर स्क्वेयर का मतलब है एक गुणा एक, ठीक है बच्चों। एक दी पावर स्क्वेयर यानी एक वन स्क्वेयर यानी कि एक दी पावर दो दा मतलब है एक गुना एक, यानी कि एक नू एक दे नाल गुना करना दोबारा, तो इंदा आंसर आ जाएगा एक, ठीक है बच्चों। उसी तरह मान लो तुसी दो दे करना है, सो दो दा स्क्वेयर की होएगा टू पावर टू, यानी कि दो दी पावर दो, तैनू किवें लिखांगे दो गुना दो, ते दो गुना दो किन्ना हुंदा है चार। सो ये है साड़ी स्क्वेयर नोटेशन। सो बच्चे इसी तरह तुसी किसी का भी स्क्वेयर फाइंड कर सकते हो। मान लो तुहाडे कोले कि तुसी अपना ही स्क्वेयर फाइंड करना होवे, तुहाडा नाम अगला हरमन है, ठीक है बच्चे। तो हरमन का स्क्वेयर की होएगा, यानी कि हरमन दी स्क्वेयर की होएगा हरमन गुना हरमन, ठीक है बच्चे। एक ही होएगा तुहाडा यानी कि हरमन दा स्क्वेयर। सो बच्चे इसी तरह तुसी किसी भी नंबर दा स्क्वेयर फाइंड कर सकते हो। इस एग्जाम्पल जिवें तुसी देख सकते हो, तुसी मूवीज़ दे देखा होएगा या फिर आम तुसी देखा होएगा जुड़वा बच्चे होंदे हन, तो उन्होंने असीं की कह सकते हाँ वो एक जाने दा स्क्वेयर है। तुसी जुड़वा मूवी 'च देखा होएगा ना, सलमान खान दो सलमान खान होंदे हन, तो उस तरह वह मान लो एक सलमान खान का स्क्वेयर यानी कि दो सलमान खान हो गए। उसी तरह तुसी किसी भी नंबर का बच्चे स्क्वेयर फाइंड कर सकते हो। एक का स्क्वेयर फाइंड करने का तरीका तुम दस्या, मैं दो का स्क्वेयर फाइंड करने का तरीका दस्या। इस तो अलावा हुण तुसी घर बैठ के तीन चार पाँच छे ते अलग अलग नंबर के स्क्वेयर फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चे। और जो तुसी स्क्वेयर फाइंड करोगे बच्चे, तो तुसी स्क्वेयर फाइंड की नोटेशन किवें लिखनी है। मान लो तुसी पाँच का स्क्वेयर फाइंड करना है, तुसी की लिखोगे पाँच दी पावर दो यानी कि पाँच गुणा पाँच, ठीक है बच्चे। और पाँच गुणा पाँच किन्ना हुंदा है 25। सो यह है साड़ी स्क्वेयर नोटेशन। तो इदा असी स्क्वेयर फाइंड करते हाँ, यानी कि किसी भी नंबर का वर्ग किदा फाइंड करना है, ये साड़ी वो फॉर्मूला है। सो बच्चे इस तरह तुसी तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ ते 10 इतों तक के स्क्वेयर ईजीली फाइंड कर सकते हो। तो तुहाडे तो उम्मीद करूँगा मैं कि तुसी इन्हां दे स्क्वेयर फाइंड्स करो ते मैनू इन्हां दी फोटो खिंच के भेजो, ठीक है बच्चे। ये किसी भी नंबर का स्क्वेयर फाइंड करन दा तरीका है। उन्होंने लिखता की है एक दी पावर एक दो तो एक गुणा एक। सो स्क्वेयर मतलब ईजीली, स्क्वेयर का मतलब की है कि उस चीज़ नू दो बार गुणा कर देना, यानी कि उस चीज़ नू अपने ही नाल गुणा करना। दो का स्क्वेयर किया दो नू दो नाल गुणा करता, पाँच का स्क्वेयर किया पाँच नू पाँच नाल गुणा करता असी, ठीक है बच्चे। अगर असी हरमन का स्क्वेयर किया यानी किसी का स्क्वेयर किया, तो असी की किया कि हरमन नू हरमन दे नाल गुणा कर दिता। सो ये साड़ी स्क्वेयर नोटेशन या फिर स्क्वेयर फाइंड करन दा तरीका है। इस तरह असी स्क्वेयर फाइंडस करते हाँ, तो अगे भी तुसी स्क्वेयर इदा ही फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल के तौर पर असी तुसी दो डिजिट नंबर का स्क्वेयर फाइंड करना है। मान लो तुसी 11 का स्क्वेयर फाइंड करना है, ठीक है। तो तुसी 11 नू की लिखोगे 11 गुना 11, ठीक है बच्चे। हुण अगर तुहानू 11 दे बच्चे वैसे मल्टीप्लीकेशन सीधा नहीं आती, तो तुसी क्रॉस मैथड लैके यूज़ कर सकते हो, ठीक है बच्चे। एक गुणा एक, ठीक है, एक गुणा एक क्रॉस एक गुणा एक ते एक गुणा एक, तो सॉल्व कर लो तो की आ जाएगा तुहाडे कोले 101।
121 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो साढ़ा 121 की हो जाएगा साढ़े 11 का स्क्वेयर, यानी कि असी 11 नूं 11 नाल गुणा कर दिता। सो बच्चे तुसी इहदे नाल देख सकते हो कि तुहाडी मल्टीप्लीकेशन भी इहदे विच स्क्वेयर फाइंड करन दे विच काफ़ी ज़्यादा मदद करती है ते काफ़ी ज़्यादा उनकी जरूरत पैंदी है। तो मैं तुहाडे तों उम्मीद करांगा बच्चे कि तुसी 1 तों 20 तक पहाड़े सारे याद करो, तो 1 तों 10 तक पहाड़े अज मैनूं लिख के भेजो, तो 11 तों 20 तक कल भज लिख के भेजो। ठीक है बच्चे, तो 1 तों 20 तक तां टेबल तुहानूं आने चाहिए हैं स्क्वेयरस दे लई। ठीक है बच्चे, सो स्क्वेयरस की तुहाडी तो कलैरिटी तो बाद असी कुछ इंट्रस्टिंग पैटर्नस की गल करांगे स्क्वेयरस दे विच। सो बच्चे अगर हुण तुसी इस टेबल नूं देखो तो तुहानूं एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग पैटर्न नज़र आएगा। सो तुसी पहला कुछ सैकेंड्स लेकर इस टेबल नूं देखो तो कोशिश करो फाइंड करन दी, लभन दी कि वह खास पैटर्न यानी कि वह खास चीज़ की है इस टेबल दे विच। लभ्या कुछ बच्चों? अगर नहीं तो मैं तुहाडी मदद करदा हाँ। सो बच्चे अगर तुसी इस टेबल नूं ध्यान नाल देखो कि इहदे विच जो 1 नाल अंत होण वाले नंबरां दा स्क्वेयर है, ठीक है बच्चे, 1 नाल इस 1 नंबर है, ठीक है, और जो इहदा स्क्वेयर है वह 1 है। ठीक है बच्चे, और यह 1 नंबर है तो इहदा स्क्वेयर की है 1। उस तरह अगर तुसी देखो 11 नंबर जो है उनके एंड ते उनका यूनिट डिजिट की है 1। ठीक है, 11 का यूनिट डिजिट की है 1 और इनके स्क्वेयर का यूनिट डिजिट की है 1। ठीक है बच्चे, 11 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई संख्या की है 1 और उनके स्क्वेयर यानी वर्ग की इकाई संख्या भी की है 1। उस तरह तुसी 21 वाल देखो तो उनकी इकाई संख्या की है 1 ते उनके स्क्वेयर की इकाई संख्या की है 1। ओके बच्चे, क्लैरिटी? सो इस अलावा तुसी 9 का देखो कि 9 की जो स्क्वेयर है वह किन्दे नाल खत्म हो रहा है 1 दे नाल। उस तरह तुसी देखो 19 की जो इकाई संख्या यानी कि यूनिट डिजिट है वह की है 9 ते उनके स्क्वेयर की यूनिट डिजिट की है 1। सिमिलरली अगर तुसी देखो कि 29 है 29 उनकी इकाई संख्या यानी कि यूनिट डिजिट की है 9 ते उनका स्क्वेयर का जो लास्ट डिजिट है वह की है 1। सो बच्चों इन्हें तो असी एक पैटर्न बना सकते हाँ या अंदाजा लगा सकते हाँ कि वो नंबर जिन्हों का यू विल सी इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट प्लेस। ठीक है बच्चे, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन यूनिट डिजिट प्लेस देन इट्स स्क्वेयर एंड्स इन 1। ओके बच्चे, तो इहदा स्क्वेयर कितने नाल खत्म होएगा 1 दे नाल। सो तुसी देख सकते हो क्लीयरली कि अगर कि कोई नंबर की इकाई संख्या 1 जां 9 होवे, 1 जां 9 होवे तां उसका वर्ग किन्दे नाल खत्म होएगा 1 दे विच होएगा, खत्म होएगा। जिवें कि असी इत्थे देखिया कि 1 दा तां इकाई संख्या 1 ही हुंदी है तो उनका वर्ग 1 दे नाल खत्म हो रहा है, 11 की इकाई संख्या 1 है तो उनका वर्ग 1 नाल खत्म हो रहा है, 21 की इकाई संख्या 1 है तो उनका वर्ग किन्दे नाल खत्म हो रहा है 1 दे नाल खत्म हो रहा है। उस तरह 9 की अगर इकाई संख्या 9 है तो उनका वर्ग 1 नाल खत्म हो रहा है, तो अगर 29 की इकाई संख्या 9 है तो उनका वर्ग 1 नाल खत्म हो रहा है। सो इसे तो बच्चे तुसी अलग पैटर्नस होर भी बना सकते हो, जिमें कि तुसी इत्थे देख सकते हो 2 अते 8, 2 अते 8 दे अगर यूनिट डिजिट दे विच यानी कि इकाई संख्या दे विच 2 अते 8 होवे तां उस नंबर दा जो वर्ग हुंदा है वह किस ते खत्म होएगा 4 ते, इत्थे भी 4 है ते इत्थे भी 4 है। सो अगर इकाई संख्या दे विच 2 या 8 होवे तां उनका यूनिट डिजिट यानी कि वर्ग दा यूनिट डिजिट की होएगा 4। तो हुण तुसी इधरों इस चीज़ नूं जस्टिफाइड करन दी कोशिश करनी है यानी कि इस चीज़ नूं इधरों समझन दी कोशिश करनी हन, इत्थे साडे कोल कड़े कड़े नंबर हन जिन्हां दा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई संख्या 2 या 8 है। साडे कोल कड़े कड़े नंबर हन? 1 तां 12, ठीक है बच्चे, और 18।
असी देखना है कि इन्हां दे स्क्वेयर दा जो लास्ट डिजिट है यानी कि जो इन्हां दे स्क्वेयर दा यूनिट डिजिट है वह चार ही है। तो बच्चे तुसी देख सकते हो इन्हां दे स्क्वेयर दा यूनिट डिजिट की है, फोर है। सिमिलरली बच्चे अगर तुसी देखो 22 एंड 28 इन्हां दे स्क्वेयर दा यूनिट डिजिट भी की है, फोर है। सो ये यूनिट डिजिट तरीका है बच्चे फाइंड करन दा। इस तो अलावा बच्चे तुसी देखना चाहो तो देख सकते हो कि जो तीन है, तीन ते सत्त दा जो स्क्वेयर हुंदा है उनका यूनिट डिजिट की हुंदा है नाइन, उनका यूनिट डिजिट की होएगा नाइन। ठीक है बच्चे, सो असी इस टेबल तो द्वारा फिर जस्टिफिकेशन करन दी कोशिश करांगे कि जिहड़े नंबर तीन या सत्त ना खत्म हुंदे हन कि उन्हां दा स्क्वेयर दा यूनिट डिजिट नौ हुंदा है। सो बच्चे तीन अते सत्त, ठीक है बच्चे, 13 ते 17 दा स्क्वेयर दा यूनिट डिजिट की है 9, स्क्वेयर दा इकाई संख्या की है 9 है बच्चे। इसी तरह तुसी इधर भी जस्टिफिकेशन कर सकते हो। ते लास्ट बच्चे बट नॉट द लीस्ट असी देख सकते हाँ कि साढ़े कोले की है 4 अते 6, 4 अते 6 दे स्क्वेयर दा यूनिट डिजिट की होएगा बच्चे 6। ठीक है बच्चे, और 4 अगर तुसी जस्टिफिकेशन करना चाहो तो इस तो जस्टिफिकेशन भी कर सकते हो। और जो साडा 5 है यानी कि 5, उनका साडा यूनिट डिजिट की हुंदा है 5 ही हुंदा है। ठीक है बच्चे, क्लियर बेटे। अगर तुहानू बच्चे इस टेबल की समझ ना आई होवे तो मैं चाहूँगा कि तुसी इस वीडियो नू बैक करके दोबारा देखो कि इस टेबल की असी किस तरह यूनिट डिजिट का कॉन्सैप्ट बनाया है। जिहड़े नंबर 1 ते 9 दे नाल खत्म होणगे उन्हां दे स्क्वेयर दी यूनिट डिजिट की होएगी 1। ठीक है बच्चे, और जिहड़े नंबर 2 ते 8 नाल खत्म होणगे उन्हां दे स्क्वेयर दी यूनिट डिजिट की होएगी 4। जिहड़े नंबर 3 ते 7 नाल खत्म होणगे उन्हां दे स्क्वेयर दी यूनिट डिजिट की होएगी 9। ते जिहड़े नंबर 4 अते 6 नाल खत्म होणगे यानी कि उन्हां दी स्क्वेयर दी यूनिट डिजिट की होएगी 6। ठीक है बच्चे, और जिहड़े नंबर 5 ना खत्म होणगे उन्हां दी स्क्वेयर दी यूनिट डिजिट 5 ही होएगी। इस तो अलावा बच्चे एक साडे कोल केस बच गया कि अगर स्क्वेयर दी यूनिट डिजिट 0 होवे, तो बच्चे अगर स्क्वेयर दी यूनिट डिजिट 0 होवे तो उस अगर नंबर दी स्क्वेयर यूनिट डिजिट 0 होवे तो स्क्वेयर दी यूनिट डिजिट भी 0 ही होवेगी। सो बच्चे सानू ये चीज़ पढ़न दी जरूरत क्यों पई? सो बच्चे तुसी देखोगे कि इहदे विच साडे एक्सरसाइज़ दे विच कुछ क्वेश्चन दिते हुए हैं। एक्सरसाइज़ 6.6 दा मैं तुहानू पहला क्वेश्चन करवा रहा हाँ, जो कि है सानू दिती हुई है 81 नंबर दिता होया है बच्चे, 81 नंबर दिता होया है। तो सानू किया गया है वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि इस नंबर की स्क्वेयर की यूनिट डिजिट की होएगी। बच्चे अगर नंबर सानू 30 तक हो या 20 तक होवे तो असी ईजली उस नंबर की यूनिट डिजिट दस सकते हाँ, क्योंकि सानू ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन करन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन्ना सारे नंबरस तो अलावा अगर एडा वड्डा नंबर आ जाए जिहड़ा कि साडे काफ़ी ज़्यादा लेंथी नंबर होवे तो उनकी यूनिट डिजिट किवें दसांगे असी? सो बच्चे असी इस तो ये पैटर्न की यूज़ करांगे। तुसी देख सकते हो अगर कोई नंबर एक दे नाल कोई नंबर, ठीक है बच्चे, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो उनके स्क्वेयर की यूनिट डिजिट की आ रही है 1 आ रही है। सो उस तरह बच्चे अगर तुसी देखो कि इस नंबर की यूनिट डिजिट की है 1 है, ठीक है बच्चे, सो इनके स्क्वेयर की यूनिट डिजिट की आएगी, स्क्वेयर की यूनिट डिजिट की आएगी 1 ही आएगी। ठीक है बच्चे, सो अगर नंबर साढ़े को 1 है तो उनके स्क्वेयर की यूनिट डिजिट भी की आएगी 1 ही आएगी। सो ये साडा आंसर बन जाएगा कि उनके वर्ग की यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगी। सो इस तो अलावा बच्चे अगर तुहाडे कोल कोई वड्डा नंबर आ सकता है, मान लो तुहाडे कोल नंबर आ गया 26387, सो हुण एडा वड्डा नंबर बच्चे इस नंबर नूं तुसीं मल्टीप्लीकेशन भी करन बैठ जाओगे ना तो तुहाडा सारा टाइम इहदे च निकल जाना क्योंकि बहुत लेंथी नंबर है। इस वड्डे नंबर नूं तुसीं 5 अक्खर नाल मल्टीप्लीकाई कित्थों करदे फिरोगे? ठीक है, तो उनकी यूनिट डिजिट वास्ते तुहानूं बहुत लेंथी प्रोसैस नंबर के स्क्वेयर वास्ते या यूनिट डिजिट वास्ते लंबा प्रोसैस करना पवेगा, तो उनकी भी जरूरत नहीं है बच्चे। तुसी की देखना है सिर्फ उनकी नंबर की यूनिट डिजिट देखनी है। नंबर की यूनिट डिजिट की है बच्चे? 7 है।
ठीक है। और सानू याद रखना है कि 7 नंबर दी अगर स्क्वेयर करी जाए तो उनका यूनिट डिजिट की आता है 9। सो इस नंबर दी स्क्वेयर दी इस नंबर दे स्क्वेयर दी यूनिट डिजिट की आएगी बच्चे 9 आएगी। ठीक है बच्चे, ये तुहाडा आंसर बन जाएगा। इसी तरह बच्चे तुसी अपनी एक्सरसाइज 6.1 दे एक्सरसाइज 6.1 दा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट कर सकते हो बच्चों। इसी तरह तुसी आदि एक्सरसाइज 6.1 दा पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, यही तुहाडा बच्चे काम है। तुसी इंदे सारे क्वेश्चन करने हैं। तो उस तो अलावा बच्चे तुसी देख सकते हो कि इस यूनिट डिजिट प्रोसैस तो अलावा दे नाल तुसी स्क्वेयरस भी ईजीली फाइंड कर सकते हो। बच्चे थोनों मैं दस्या कि किस तरह किसी नंबर का स्क्वेयर फाइंड करना है। अगर तुसी किसी भी नंबर का स्क्वेयर फाइंड करना है तो जस्ट उसे नंबर नूं उसे नंबर दे नाल मल्टीप्लाई कर दो ते तुहाडे कोले स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सिंपल प्रोसैस है और तुसी इस तो स्क्वेयर फाइंड करन दी कोशिश करनी है। एक्सरसाइज 6.6 का पहला क्वेश्चन करना है बच्चे। इन्हें ना साडे स्क्वेयर कॉन्सैप्ट खत्म हो चुका है ते इन्दे असी क्वेश्चंस करांगे अगली वीडियो दे विच। ते उस तो बाद असी इसे कॉन्सैप्ट दे बेसिस ते स्क्वेयर रूट फाइंड करन दी दसांगे कि स्क्वेयर रूट किदां फाइंड किया जाता है।